और ऐसी ऐसी तारीख मिलती है कि किसी के पास एक गुर आ जाता है ना, वो अपनी कई नस्लों तक उसको चलाता है और वो कई की महल खड़े कर लेते हैं, एक गुर। तो यहां तो हजारों गुर हैं, कोई सीखने वाला तो हो। वो किसी के पास गुर्दे की पथरी का नुस्खा आ जाता है तो वो जनाब पूरा खानदान उस पर पलता है, और फिर अगले वो किसी को वाह भी नहीं लगने देते, फिर अगले को बताते हैं, उससे अगले को बताते हैं, उससे अगले। ऐसे ही है ना, वो जी फलाना फालज का इलाज करते हो, तो उसे दादे के का नुस्खा है उसको। अजीब बात है, हमारी स्टडी हर डॉक्टर के लिए है और हर इंसान के लिए। भाई एक अली क्लिनिक चलता है तो उससे क्या फायदा होगा भाई, एक अली क्लिनिक के चलने से कोई नहीं, हजारों लाखों क्लिनिक चलेंगे तो फिर रेवोल्यूशन आएगा, फिर इनकलाब आएगा, फिर बात बनेगी। और आएगा कैसे कि मैं ईमानदारी से, मैं दयानदारी से जो किया जो समझा वो आपको बताता हूँ, और आप ईमानदारी से उस पर अमल करेंगे। कोई माई का लाल दिल नहीं है, इतनी सख्त नहीं है, इतना जर्फ नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है किसी में। एक जिसके पास नुस्खा आता ना, वो कब्र तक अपने बच्चों में ट्रांसफर करता रहता है, किसी को बताता नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं किसी को। और ये एक बत्ती यहाँ जल रही है ना, उससे हजारों बत्तियां आप जला लें, उस बत्ती को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ता है, वो तो जलती रहेगी, उसके फ्यूल में क्या कमी है, अगर जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं, हजारों चिराग जल जाते हैं, लेकिन उस पर पहुंचने किसी को कोई नहीं देता ना। हजारों करोड़ों लोग ये सीने में दुनिया में, पता नहीं अगर ये सारी जो स्टडी हुई थी, ये स्टडी अगर दुनिया में आए तो बंदा ही शायद कोई ना मरे, अल्लाह को कुछ और सोचना पड़ जाए। हाँ ना, मर गए ना सारे, अभी भी हम हमारे दादे के पास, उसके दादे के पास नुस्खा था, वो अपने पोते को दे गया, उसके आगे दे गया, उसको आगे दे गया। तो हमने तो जो किया, हमने जो समझा, वो हम डिलीवर कर रहे हैं कि हम तो ये बोझ लेके जाना ही नहीं चाहते, और ना जा सकते हैं। कल पूछेगा कि ये इलम तो मेरा था, तूने बताया नहीं, क्या करना है, कितने महल। वो अलीमन कहता ना कि मैं अगर पैसे कमाता तो कारून का खजाना मेरे पास होता, लेकिन करोड़ों लोगों के रोजगार लगा के चला गया, करोड़ों लोगों के रोजगार लगा के चला गया वो बंदा। सही तो रेवोल्यूशनरी लीडर तो वो था, कोई सुजुकी वाला भी उधर लगा हुआ है, कोई जनाब मरीजों को ढो के ला रहा है, कोई जनाब क्लिनिक के मालिक का किराएदार किराए पे उसका काम चल रहा है, क्लिनिक खुला हुआ है, दवाइयाँ बनाने वाले लहदा चले हुए हैं, मरीजों का फायदा लहदा है। देखो एक पूरा सिस्टम खड़ा हो गया है।